नमस्कार, मैं रुचि, आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले अपनी स्ट्रेटजी बदलने पर क्यों मजबूर है भाजपा? साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां मंथन में जुट गई हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी 9 साल सत्ता में रहने के बाद चुनाव के मद्देनजर जोर तोड़ में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता से बाहर रही कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक बिसात बिछा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने आंध्र प्रदेश के तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। 2019 में एनडीए से अलग हो चुकी इस पार्टी के प्रमुख से मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी एक बार फिर एनडीए के गठबंधन में शामिल हो सकती है। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह से हराकर बहुमत हासिल की। कांग्रेस को हराने के बाद भाजपा ने कई राज्यों में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय पार्टियों पर भी अलग अलग तरह से पैंतरे आजमाए। नतीजतन पिछले कुछ सालों में कई सहयोगी दलों ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे कई विपक्षी दल एकजुट होने लगे। विपक्षी एकजुटता का सबसे बड़ा उदाहरण नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह के दौरान देखने को मिला, जब प्रधानमंत्री मोदी से उद्घाटन के विरोध में 19 पार्टियां समारोह से गायब रही। इसके अलावा दिल्ली में उपराज्यपाल को अधिकार देने वाले केंद्र सरकार के अध्यादेश के विरोध में भी एक दर्जन पार्टियां आम आदमी पार्टी के साथ आ गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि वर्तमान में विपक्ष के एक साथ होने के बीजेपी की नई स्ट्रेटजी क्या है? क्या पार्टी को पुराने साथी याद आ रहे हैं? जिस तरह से गठबंधन की बात करी जा रही है, इसको लेकर ये कयास लगाया जा रहा है, ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि सभी पार्टियां जो हैं वो एकजुटता से होती हुई नजर आ रही हैं। देख के कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि सभी का मकसद जो है वो बीजेपी को सत्ता से हटाना है। ये साफ नजर आ रहा है, ये साफ दिखाई दे रहा है, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई अन्य पार्टी भी क्यों ना हो, सभी का एक मकसद नजर आ रहा है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना। इसको लेकर सभी पार्टियां एकजुट भी होती जा रही हैं, लेकिन क्या बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी बदल रही है? क्या वो अपने पुराने साथियों के साथ फिर से गठबंधन करेगी? ये अहम सवाल उठ रहा है और देखना भी बेहद अहम होने वाला है कि क्या बीजेपी फिर से एक बार अपने पुराने साथी के पास वापस लौट कर जाएगी। ये देखना अहम होने वाला है। खैर, जो भी अपडेट होंगी वो हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स।